कभी सीता को नहीं दिया है, इसलिए मैं सीता को वन में नहीं भेज सकती। राम जी ने कहा कि हाँ सीता, माँ बिल्कुल सही कहती है, वन में तुम चल ही नहीं सकती हो। तुम्हारे मायके में तुमको इतना लाड़ किया जाता है कि तुम जब चलती थी तो मखमल के फावड़े तुम्हारे चरणों में तुम्हारे घर के लोग बिछाते थे। तुम्हारे चरण में कांकर कंकर भी चुभ जाए वो तुम सहन नहीं कर सकते, इसलिए तुम वन में नहीं जा सकती। घर में एक वानर का चित्र तुमने देखा तो तुम्हारा मन डर के मारी तुम भयभीत हो गई। एक चित्र को देख करके डर गई तो जंगल में तो बड़े बड़े बेहड़ वन का सामना करना पड़ेगा, बेहड़ पशु पक्षी होंगे, उनको देख करके तुम्हारी दशा और बिगड़ जाएगी जानकी, इसलिए तुम यहीं पर रह करके मेरी प्रतीक्षा करो। जानकी जी ने रोते हुए कहा कि कौशल्या मैया के सामने रोते हुए कहा कि मैया मैं उस समय पर आई हूँ जिस समय पर आप पातिव्रत धर्म का भाषण दे रही थी, तो आपके लिए अगर पातिव्रत धर्म महान है, पति के अलावा कोई दूसरी चीज महान नहीं है, तो मैया फिर मैं भी तो रघुवंश की पुत्र वधु हूँ, फिर मेरा कर्तव्य क्या है? मैं आज श्री राम जी के साथ हूँ, वन में उनके साथ में मैं नहीं गई तो संसार की सारी माताएं मेरे नाम पर रोएंगी कि देखो रघुवंश की पुत्र वधु ने पति का साथ सुख में दिया है, दुख में नहीं दिया है। तो मैया आप अगर अपने पातिव्रत धर्म का पालन करके वात्सल्य भाव को छोड़ करके पति के साथ में हो तो मेरा कर्तव्य भी मेरे पति के साथ जाने का है माँ, इसलिए मेरे पर कृपा करो। और श्री राम जी से जानकी जी ने कहा कि आप मुझे डरा रहे हो कि तुम कंकर में नहीं चल सकती, कांटे पर नहीं चल सकती, अच्छा आप बताओ कि मैं मेरे पिता की जितनी लाडली थी क्या आप आपके पिता के उतने लाडले नहीं थे? मैं अगर कंकर में नहीं चल सकती तो क्या आप कंकर में चल सकते हो? मुझे कांटों पर चलने का अभ्यास नहीं है तो क्या आपको अभ्यास है? आप कभी पहले चले हो? रघुनंदन जितनी लाडली मैं अपने पिता की हूँ उतने ही लाडले आप भी तो आपके पिता के हो, आप भी तो पहली बार कंकर पे चलोगे, आप भी तो पहली बार कांटे पर चलोगे, तो जब आप चल सकते हो तो मैं क्यों नहीं चल सकती? और प्रभु ऐसी बात है कि आगे आगे तो आप चलोगे, मैं तो पीछे चलूंगी, तो जितने भी कंकर है जितने भी कांटे है वो तो आपके चरणों में चुभना है, मेरे लिए तो रास्ता एकदम क्लीन हो जाएगा, मुझे मेरे लिए कोई कांटा बचेगा नहीं, क्योंकि कांटा तो आपको चुभ जाएगा पहले। और रोते हुए जानकी जी ने कहा कि प्रभु मैं ज्यादा बोलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, साथ में तो चलूंगी, ले चलना आपका काम है, शरीर सहित या तो लेकर के चलोगे और नहीं तो आपके जाते ही मैं प्राण को त्याग दूंगी और प्राण से आपके साथ में मैं चलूंगी, लेकिन मैं आपके बगैर जीवित अयोध्या में रहने वाली नहीं हूँ। श्री राम जी जान गए कि जानकी रहेगी नहीं, कहा ठीक है जल्दी से तैयारी करो हमें अति शीघ्र निकलना है। इतने में खंबे के आड़ में श्री लक्ष्मण लाल जी खड़े खड़े रो रहे कि पता नहीं भैया मुझे क्या कहेंगे। दौड़ती वाय श्री राम जी के चरणों से लक्ष्मण लाल जी लिपट जाते हैं। राम जी ने उठा करके कहा लक्ष्मण सावधान, मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगे, लेकिन भैया रघुवंश का जो है अभी इस समय रघुवंश में कष्ट आया हुआ है, पिता अस्वस्थ है, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है और मैं वन में जा रहा हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ में चलोगे तो रघुवंश पर खतरा हो सकता है, यहाँ की प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य यहाँ रह करके सबकी सार संभाल करना है, मेरे साथ आने की जिद मत करो। तो श्री राम जी से लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि राजनीतिक भाषण है, धर्म का भाषण है, ज्ञान का भाषण उसको दो जिसको इस चीज की आवश्यकता है, मैंने तो आँख खोली तो आपको देखा है और आपको देख करके आँख बंद हो जाएगी, यदि शरीर सहित आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो कोई बात नहीं, मैं सरयू तक आपको विदा करूंगा और वहीं पर जल समाधि लेकर के प्राण को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपके बगैर अयोध्या में रहूंगा नहीं। श्री राम जी ने कहा कि ठीक है भैया चलो तुम भी चलो, लेकिन सावधान लक्ष्मण माता सुमित्रा और उर्मिला से तुम्हें अनुमति लेना पड़ेगा। लक्ष्मण लाल जी मन में सोचने लगे कि सुमित्रा मेरी माँ है, उर्मिला मेरी पत्नी है, और अगर इन दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए तो भैया को बहाना मिल जाएगा कि देखो इन दोनों को दुखी करके तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, इसलिए डरते हुए लक्ष्मण लाल जी माँ सुमित्रा के पास में आए और मैया से जैसे सारा वृतांत सुनाया तो माँ सुमित्रा को आज इतनी जोर से क्रोध आया और सुमित्रा मैया ने फटकार लगाते हुए कहा कि लक्ष्मण आज से पहले मुझे लगता था, मेरे दूध पर मुझे गौरव था कि मेरी संतान रघुवीर के चरणों की दास है, लेकिन मुझे तो तुमने लज्जित कर दिया है, तुमने मेरे दूध के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। माए तुम क्या कह रही हो? बोले श्री राम ने लक्ष्मण तुम्हें मुझसे अनुमति लेने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उस परीक्षा में पूरी तरह से फेल हो गए हो।
लक्ष्मण लाल जी का मैया ये क्या कह रही हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुमित्रा मैया ने कहा कि लक्ष्मण याद करो उस प्रसंग को जब जानकी ससुर मायके से आई थी तो मैंने उसके चरण में तुम्हें बैठा करके घोषणा की थी कि जानकी आज से तुम माँ हो और श्री राम इसके पिता है, तो उस दिन से तुम उनकी संतान हो गए हो और तोते की तरह रटते रहते हो कि मेरे माँ श्री राम है, मेरे पिता श्री राम है, माता पिता सीता राम है, सीता राम है। तो तोते से तोते की तरह रटने वाले पर भगवान की कृपा नहीं होती है, हृदय में भी धारण विश्वास करना पड़ता है तब जाकर के प्रभु की कृपा होती है। तुम ऊपर से तो यही कहते हो कि श्री राम मेरे पिता है, जानकी मेरी माँ है, श्री राम मेरे पिता है, जानकी मेरी माँ है, लेकिन हृदय में मुझे बैठा करके रखे हो, आसक्ति तुम्हारी मेरे प्रति है, इसीलिए श्री राम ने तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम अंदर भी हमें बैठाए हो कि केवल बाहर से कह रहे हो, तो तुमने वास्तविक में अंदर मुझे बैठाया है। अगर जानकी को हृदय में बैठाते तो तुम जानकी से अनुमति लेते कि माँ पिता ने मुझसे कहा है कि अनुमति माँ से लेना, वन में चलूं कि नहीं चलूं, तब तुम पास होते, तो तुम तो सीता को छोड़ करके मेरे पास में आ रहे हो, इसीलिए लक्ष्मण तुम फेल हो गए हो। लक्ष्मण लाल जी का मैया आज के बाद में मैं किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होगा। सुमित्रा मैया ने कहा कि ठीक है, दूसरी बात है कि केकई को कभी दोष मत देना, श्री राम जो वन में जा रहे हैं केकई के कारण नहीं, तुम्हारे कारण जा रहे हैं। लक्ष्मण लाल जी के कान खड़े हुए, बोले मेरे कारण जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले संपूर्ण पृथ्वी में अधर्म का बोझ हो गया है और ये पृथ्वी तुम्हारे मस्तक पर है, लक्ष्मण तुमसे अवतार हो, इसीलिए इस पृथ्वी का बोझ कम करने के लिए श्री राम वन में जा रहे हैं, तो श्री राम केकई के लिए नहीं, तुम्हारे कारण वन में जा रहे हैं, तुम्हारे सर का बोझ कम करने के लिए श्री राम वन में जा रहे हैं। इसीलिए लक्ष्मण याद रखना 14 वर्ष तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नारी का चिंतन स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए, ऐसी श्री राम की सेवा तुम्हें करना है। तो श्री लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि मैया जगते समय तो पूरी गारंटी है कैसा नहीं होगा, लेकिन रात्रि में सोते समय कभी क्रोध आ गया अहंकार आ गया, इसलिए मैया लो मैं हाथ में जल लेकर के संकल्प लेता हूँ कि 14 वर्ष तक मैं कभी नींद ही नहीं निकालूंगा, ना सोऊंगा ना स्वप्न आएगा ना कभी ऐसा विकार मेरे मन में आएगा। मैया ने आशीर्वाद दिया है और लक्ष्मण लाल जी उर्मिला जी के पास में आए, तो उर्मिला जी उस समय श्री राम जी के राज्य अभिषेक का एक पेंटिंग बना रही थी, बहुत सुंदर चित्रकारी उर्मिला जी को आती है, तो जिस समय श्री राम जी को राजा बना रही थी पूरा चित्र बन गया, पर तिलक जिस समय वो लगा रही थी तो जो रंग है वो बिखर जाता है और तिलक पूरा बिखर गया, पेंटिंग पूरा बिगड़ गया, तो उर्मिला जी की आंख में आंसू आ गए और उसी समय लक्ष्मण लाल जी आए, तो लखन लाल जी डर गए कि अगर उर्मिला भी रो देगी तो भैया को बहाना मिल जाएगा। उर्मिला से पास में आकर पूछा तुम काहे रो रही हो, उर्मिला जी ने कहा कि देखिए मैं प्रभु का चित्रपट बना रही थी, आज भैया भाभी राजा रानी बनेंगे ना, तो मैं यही काम कर रही थी, लेकिन देखो चित्र बिगड़ गया है। श्री लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि उर्मिला ये बिल्कुल सही समय पर बिगड़ा है, श्री राम राजा नहीं बन रहे, श्री राम तो वन में जा रहे हैं। उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए और उर्मिला जी ने तुरंत समझ लिया कि मेरे पति श्री सीताराम जी के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए उर्मिला जी ने कहा कि हे पतिदेव मैं यहाँ पर रह करके आपकी प्रतीक्षा करूंगा, आप निर्भय होकर के श्री सीताराम जी की सेवा में जाइए, मैं आपकी साधना में बाधा नहीं पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण लाल जी ने कहा कि देवी ठीक है, लेकिन एक वचन आपको और देना पड़ेगा। क्या? बोले 14 वर्ष तक तुम्हारी आंख से आंसू नहीं निकलना चाहिए, अगर एक भी बार आंसू निकलेगा तो मेरी साधना में बाधा पहुंचेगी, ये तुम वचन दो। तो उर्मिला जी ने कहा ठीक है प्रभु, मैं 14 वर्ष के लिए आपको वचन देती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू कभी नहीं निकलेगा। और दुनिया के लोगों गम को दिखा करके जीना तो बहुत सरल होता है, आंसू को बहा करके जीना बहुत सरल होता है, लेकिन आंसुओं को पी करके जीना बहुत कठिन होता है, दुख को अंदर ही अंदर पी करके होठों पर हमेशा मुस्कान बिखेरते हुए जीना बहुत कठिन होता है। उर्मिला जी ने जिया है, 14 वर्ष तक एक भी आंसू की बूंद को बाहर नहीं आने दिया और कहा कि मंदिर में एक दीपक जलाऊंगी, उसकी ज्योत अखंड 14 वर्ष तक जलेगी, मैं आपकी प्रतीक्षा यही पर करूंगी। चित्रकूट धाम में जब लक्ष्मण लाल जी जाते हैं, सीता जी ने बहुत कोशिश की कि उर्मिला जी से लक्ष्मण लाल जी मिले, लेकिन लक्ष्मण लाल जी उर्मिला जी चित्रकूट धाम में भी मिलते नहीं है, इतना बड़ा त्याग उर्मिला जी का है। लक्ष्मण लाल जी
यहाँ से विदा लेकर के दौड़ करके श्री राम जी के पास में आते हैं। मैया कौशल्या रोते हुए श्री राम जी को गले लगाते कहते हैं कि बेटा केवल इतना ही हुआ कि सारी अयोध्या का जो पुण्य है बड़ी भागी लक्ष्मण लाल जी श्री महाराज दशरथ जी के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगे। महाराज दशरथ जी ने देखा कि तीनों लोग जा रहे हैं, बार बार सीता जी को रोकने का प्रयास किया, सीता तुम्हें देख करके मैं प्राण रख लूंगा, तुम मत जाओ सीता, तुम्हें देख करके मैं जीवित रह जाऊंगा। और महाराज जनक जी का वो प्रसंग याद आ जाता है कि जनक जी ने कहा था कि मेरी बेटी सीता के चरण में कंकर भी चुभे तो मुझे सूचना मिथिला में भिजवा देना, लेकिन अब मैं क्या मुख दिखाऊंगा जनक जी को, बेटा तुम रुक जाओ। लेकिन सीता जी ने बार बार पतिव्रत धर्म का आश्वासन देकर कहा, पिताजी मैं बहुत जल्दी पति के साथ में आऊंगी। इधर श्री राम जी को तुरंत मैया कैकेयी ने वल्कल वस्त्र प्रदान किए, तो श्री राम जी ने भी पहन लिया, लक्ष्मण लाल जी ने भी पहन लिया, लेकिन सीता जी वस्त्रों को लेकर के रो रही है। इसलिए नहीं रो रही है कि मुझे वस्त्र पहनना पड़ रहा है, इसलिए रो रही है क्योंकि वल्कल वस्त्र पहनना नहीं आता है। श्री राम जी ने कहा, सीता ऐसा करो कि तुम कौशल्या माँ के पास में जाकर के वस्त्र पहनो। कौशल्या मैया के पास में जैसे वस्त्र लेकर के आई तो कौशल्या मैया की आंखों में आंसू आ गए कि हे विधाता, ये पृथ्वी फट जाए तो हम पृथ्वी पर समा जाए। रोते हुए कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा ये अवस्था तो वल्कल वस्त्र पहनने की हमारी थी, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि अवसर विधाता ने तुम्हें दे दिया है। बेटा मैं क्या बताऊं, तुम्हारी माँ को ही वल्कल वस्त्र पहनना नहीं आता है, क्योंकि आज तक हमने ही नहीं पहना है तो हम आपको क्या पहनाएंगे। मैया अरुंधति के पास में जाओ, श्री वशिष्ठ माँ जी की, वशिष्ठ गुरु जी की पत्नी अरुंधति माँ के पास में जानकी जी वल्कल वस्त्र लेकर के जब आई तो वशिष्ठ महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि कैकेयी
तुमने वन श्री राम को दिया है, इसलिए श्री राम वन में जाए किसी भी अवस्था में तुम उन्हें भेजो, मंजूर है। लेकिन अगर सीता को बलकल वस्त्र तुमने धारण करवाए तो मैं पूरी अयोध्या को जला करके राख कर दूंगा। इससे वस्त्र लो, अब इसके हाथ से वस्त्र लो। कैकेयी माँ जानते कि गुरुजी समर्थवाने चाहेंगे तो कर देंगे। बलकल वस्त्र माँ ने लिए, सीता जी चरणों में गिर गई। बोले गुरुजी मेरे पति राजसी वस्त्र में जा रहे हैं, जाए तो मैं राजसी वस्त्र में जाती, मेरे पति साधु वेश में जाए तो मुझे साधु वेश में ही जाना है। गुरुजी ने कहा कि सीता वन में जाकर के भभूत लगा लेना, जोगन बन जाना, बेजंती पहन लेना, लेकिन हमारे आंखों के सामने तुम साधु वेश में नहीं जा सकती। लेकिन सीता जी ने कहा कि मेरे पति घर से बलकल वस्त्र में जा रहे हैं तो मेरा धर्म भी बलकल वस्त्र में जाने का ही है। मेरी प्रार्थना सुनी गुरुजी। वशिष्ठ महाराज जी दृश्य नहीं देख पाए और यहाँ से बाहर निकल करके खड़े हो गए। इधर सीता जी ने बलकल वस्त्र धारण करवाए माता अरुंधति ने, तो अनसुईया माँ की, अनसुईया मैया अरुंधति माँ की बहन है, माता वहीं पर प्रकट हो गई अनसुईया मैया और कहा दीदी आप इनका पूरा श्रृंगार मत करना, आधा रहने देना, ये जब जंगल में आएगी ना तो आधा मैं करूंगा। माता अरुंधति ने बलकल वस्त्र पहनाए सीता जी को और उसी समय तीनों लोग चरणों में प्रणाम करके महाराज दशरथ जी के यहाँ से निकले। श्री महाराज दशरथ जी रोते हुए कहते हैं कि राजा महामंत्री सुमन जी, मेरा आदेश अंतिम है आपको कि रथ को लेकर के तीनों को गंगा के दो चार परिक्रमा लगवा लेना और ये तीनों को लेकर के आ जाना, और अगर तीनों में से तीनों अगर नहीं आए तो सीता को तो हर हाल में लेकर के आना। ये कह करके सुमन जी को यहाँ से विदा किया कि जल्दी रथ को लेकर के जाओ। श्री राम जी, लक्ष्मण, लाल जी, जानकी जी बाहर खड़े हैं, पूरी अयोध्या के लोग रथ को पकड़ करके खड़े हुए कि जहाँ आप नहीं वहाँ हम नहीं, जहाँ आप हो वहीं पर हम रहेंगे, हम आपके साथ में चलेंगे। मैया कौशल्या करुणा में डूबी हुई रोती है कि श्री राम से प्रार्थना करती है, श्री राम चंद्र प्यारे बन से शीघ्र आना, बन से शीघ्र आना, आना।
सारे लोग श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे चलते हैं।